एवरी वन गुड आफ्टरनून वेलकम टू सुपर कोचिंग बैंकिंग कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज के सेशन में एग्जाम के के लिए हमारे इंग्लिश प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज में आज की क्लास में क्लोज टेस्ट पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो आपके प्रिलिम्स और मेन्स दोनों एग्जाम्स में आएगा और ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पर आपका वोकैबुलरी टेस्ट होता है प्लस ग्रामर टेस्ट होता है ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की आपकी जो एबिलिटी है उसे टेस्ट किया जाता है क्योंकि इसमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है पैराग्राफ के अंदर जो मिसिंग वर्ड्स हैं वहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा फिर इन द ब्लैंक्स में इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द पैसेज ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपको पता है वेरिएशंस तो आते ही आते हैं इसमें भी कभी कभी सीधे के सीधे पांच ऑप्शंस दिए जाएंगे और उन पांचों में से कौन सा वर्ड यहाँ पर फिट होगा ये आपको बताना है समटाइम्स दे गिव यून ऑल्सो ब्लैंक स्पेस के बगल में एक सजेशन दिया जाता है और अगर वो सजेशन सही है तो आपका आंसर आएगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड और अगर वो सजेशन गलत है तो उसके जगह पर और क्या ऑप्शन हो सकते हैं ये ऐसे टाइप के क्लोज टेस्ट आते हैं आजकल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी तीन चार फिलर्स वाले क्लोज टेस्ट देना शुरू कर दिए हैं तो ऐसे वराइटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अल्टीमेटली आपके कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटी के ऊपर ओके okay, सो so आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लोज टेस्ट को कैसे अप्रोच करना है स्पेशली मेन्स लेवल के क्लोज टेस्ट जिसमें वर्ड्स जो आते हैं ऑप्शन में वो बहुत टफ लेवल के होते हैं जिनका मीनिंग नहीं पता है या फिर पैराग्राफ का लेवल इन जनरल डिफिकल्ट है क्योंकि क्या है इजी चीजें पढ़ के आप ना प्री क्लियर तो कर दोगे लेकिन मेंस नहीं क्लियर होगी आपको मेंस भी तो क्लियर करनी है ना मेंस क्लियर करके ही आगे बढ़ेंगे तब जाके इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा तो मेंस क्लियर करने के लिए हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है तो चाहे वो आपको शुरुआत में डिफिकल्ट लगे बट ये डिफिकल्ट प्रोसेस से गुजरना है तब जाके आप रिफाइंड तरीके से आप अच्छे से मेन्स अपीयर कर सकते हैं ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास में हम दोनों टाइप के क्लोज टेस्ट पढ़ेंगे एक प्री वाला मेन्स वाले दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नाउ लेट्स बिगिन द सेशन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जो लोग जुड़ चुके हैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट है सेशन को शेयर करें लाइक एंड शेयर द वीडियो और जिन्होंने जो लोग पहली बार आए हैं टाइमिंग्स नोट डाउन कर लीजिए दोपहर को बारह बजे हमारी ये क्लास होती है ट्वेल्व पी टू वन पी एम सो रेगुलरली अटेंड करते रहिए इसी चैनल पर मंडे टू फ्राइडे हमारी ये क्लासेस होती है ओके okay? दूसरी बात सुपर कोचिंग में एनरोल करें जिन्होंने एनरोल नहीं किया है क्योंकि सुपर कोचिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारी चीजें एक जगह पर मिल जाती है जैसे कि वीडियो कोर्सेज मिलते हैं थियोरी क्लासेस मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश बैंकिंग अवेयरनेस है ना, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा इंडिया के बेस्ट टीचर्स के लेक्चर्स आप देख सकते हैं उनसे पढ़ सकते हैं मॉक टेस्ट है ढेर सारे स्टडी नोट्स डाउट क्लासेस ये सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं इसकी लिंक वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन में बस आपको कूपन कोड अप्लाई करना है के चलिए रेडी है सब लोग शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट फॉर एस बी आई पीओ ट्वेंटी ट्वेंटी टू आज का पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा, सा कोट ऑफ तो ना डिफिकल्ट लग सकती है चीजें जैसे आज करने वाले हैं टेस्ट चलो ट्राई तो करके देखते हैं क्या होता है देखते हैं ना? ये जो होता है ना ये जो डिसीजन टू ट्राई होता है यही से आपको अकम्पलिशमेंट मिलती है यही से आपको जो है ड्रीम तक आपके गोल तक पहुंचने का ये एक फर्स्ट स्टेप होता है ठीक है चलिए तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्लोज टेस्ट। पांचवा ऑप्शन शायद आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं पांचवा ऑप्शन यहां पर लिख देता हूं फिफ्थ ऑप्शन इज रेलिंग फिफ्थ ऑप्शन यहां पर है रेलिंगक्विश बताइए क्या होगा आंसर ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है बाय द वे इसको अच्छे से सॉल्व किया तो मेंस में बहुत सारे नंबर आएंगे आपके चलिए रुचि ए के साथ जा रही है अबैंडन ओके बाकी लोग भी आंसर करेंगे शीतल भी ए के साथ जा रही है

Perish after the approved fashion फ्टर दूव फैशन ऑफ ऑल हिरोस इन दी अटेम किन हीरो समझ में आ रहा है सब कुछ ऐसे दिमाग के ऊपर से चला जा रहा है <laughs> अभी situation को कैसे handle करेंगे देखो दो चीजें हमेशा देखो अपने ग्रामर के नॉलेज पे ट्रस्ट करो आपको पता है कि इधर और आता है और इधर इधर आ गया तो उसको पता था कि या तो वो ये करेगी या फिर वो पेरिश हो जाएगी और पेरिश इस वर्ड का मीनिंग तो पता है ना पेरिश का मतलब क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाना मतलब यह है कि वो कोशिश करती रहेगी या फिर वो पेरिश हो जाएगी मैं या तो कोशिश करते रहूंगी या खत्म हो जाऊंगी बीच में छोड़ के भागने नहीं वाली हूं मैं ऐसा मीनिंग लग रहा है देखो पैराग्राफ का पढ़ते पढ़ते ये सर नो तो बस हमने और इधर और देख लिया और के बाद पेरिश देख लिया तो इधर के बाद क्या आ सकता है फाइट करते रहना ये लग रहा है ना ऑप्शन देखो अबैंडन फोर फीट रिडीम कंडेम या फिर रिलिंक्विश अभी अबैंडन का मतलब होता है छोड़ के चले जाना क्विट करना रिलिंक्विश का मतलब भी होता है क्विट करना तो ये दोनों नहीं चलेंगे आंसर नंबर वन और फाइव गलत है फोर फीट का मतलब भी होता है बीच में ही छोड़ के चले जाना क्विट कर देना यस और नो कंडमन्ड ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना नेगेटिव टोन में है ये भी और रिडीम का मतलब क्या होता है जैसे कूपन कोड आप रिडीम करते हैं ना गिफ्ट कार्ड रिडीम करते हैं मतलब क्या है कि आपको कुछ एक गिफ्ट की तरह मिल जाता है क्यों क्योंकि आप वो कोशिश करते हैं ट्राई करते हैं चलो कुछ मिल रहा है क्या देखते हैं तो वो हो जाता है रिडीम यस और नो तो यहां पर रिडीम जो है ये क्या है बेसिकली जीत विक्ट्री के सेंस में यूज किया जाने वाला वर्ड विक्टोरियस होना तो या तो मैं जीत जाऊंगी या फिर मैं कोशिश करते करते हार जाऊंगी या फिर मर जाऊंगी ऐसा सेंटेंस है तो इसलिए रिडीम आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है पांचों ऑप्शंस में से एलिमिनेशन मेथड इसलिए आंसर सी करेक्ट होगा बिल्कुल सही जवाब अभी समझ में आया कैसे देखना है सेंटेंस की तरफ अभी ये सिर्फ एक फिलर सही आया ऐसे और नौ है दस फिलर वाला क्लोस्टेस्ट है ये और ये मेन्स में आते हैं खतरनाक वाले एकदम चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उधर बताइए क्या होगा आंसर पांचवा वर्ड अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिसमिस्ड

नहीं समझ में आ रहा है शी डैश हर फादर और फादर के बाद देखिए कॉमा लगा के ये दूसरे कॉमा के बीच में आ गया द ग्रैंड क्या होता है ये vocabulary का part है। एक ऐसा पोस्ट होता है जनरली हाई लेवल का एक पोस्ट होता है रिलीजियस पोस्ट होता है, है ना जिसमें लोग उनको इज्जत देते हैं लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं ऐसे टाइप की एक पोस्ट होती है जनरली टर्की जो कंट्री है ना उस, ए उस कंट्री के आसपास के इलाकों में ये पाई जाती है तो ये जो ये जो लड़की है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पिताजी क्या है ग्रैंड वाइजियर या विजियर है मतलब एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन है बहुत सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं और उस लड़की ने अपने पिताजी को कहा टू मेक एन ऑफर टू द किंग ऑफ हर हैंड मतलब है कि मेरे साथ शादी तय करवाओ राजा की या राजा को बोलो मुझसे शादी कर ले ऐसे अपने पिताजी को कहा क्योंकि पिताजी की बात सुनेंगे ना राजा भी होगा तो भी पिताजी की बात सुनेगा क्योंकि पिताजी उसके क्या है ग्रैंड वाइजियर है मतलब है कि शी इज टेलिंग हर फादर शी इज डेप्यूटिंग हर फादर डेप्यूटेड का मतलब क्या होता है टू गिव सम वर्क टू टेल टू डू समथिंग टू टेल टू डू समथिंग किसी को कुछ करने के लिए कहना फादर को बोला उसने कि आप राजा से बात करो मेरी शादी उनसे करवा दो कंसील का मतलब होता है हाइड करना छुपाना रिफ्यूटेड का मतलब होता है रिफ्यूज करना रिटेन का मतलब होता है अगेन अपने पास ही रखना तो हाइड के जैसा ही हो गया छुपाने के जैसा और डिसमिस का मतलब होता है रिजेक्ट करना रिफ्यूट करना तो देखिए अगर आप ऑप्शंस के साथ भी जाते हैं एग्जामिनर आपको हिंट दे रहे हैं इधर रिफ्यूटेड और dismissed, ये जो refuse वाले दोनों है, reject वाले ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है तो अगर डिसमिस गलत होगा तो रिफ्यूटेड भी गलत होगा और रिटेन और कंसील ये दोनों एक दूसरे के जैसे वर्ड है हाइड करना या छुपाना तो ये दोनों एक साथ हटेंगे तो बचा क्या आपने पास डेप्यूटेड एक ही बचा ना

क्लियर है या तो ऑप्शंस के साथ जाओ या सेंटेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है आगे बढ़े तीसरे पे चलते हैं बहुत टाइम लगने वाला है क्लोज टेस्ट सॉल्व करने में इट्स ओके okay, हर एक चीज को एक्सप्लेन करते चलेंगे समझते हुए चलेंगे आप समझने की कोशिश करो बस ओके okay? आगे बढ़ते हैं तीसरा वाला ट्राई करो और गलतियां हो रही तो होने दो इट्स ओके अगर आंसर्स गलत भी हो गए ना कोई फर्क नहीं पड़ता बस सीखते चलिए और समझते चलिए धिस हैंड दिंग ईगरली एक्सेप्ट और ये जो हैंड है मतलब क्या है ये जो शादी का प्रपोजल है वो राजा ईगरली एक्सेप्ट करता है क्यों क्योंकि राजा के मन में भी था कहीं ना कहीं ये लड़की के साथ शादी करनी है यस yes no? और नो और अभी लड़की से ही न्या, न्योता आया है शादी का मतलब क्या है कि वो उसके मन की बात हो गई मन में लड्डू फूटा यस और नो तो यहां पर धिस हैंड दिंग ईगरली एक्सेप्ट और आगे क्या लिखा है ही हैल एट ऑल इवेंट्स उसका पहले से ही इंटेंशन था इंटेंशन था कि ये लड़की के साथ शादी करनी चाहिए लेकिन उसने क्या किया हैड टू पुट ऑफ द मैटर फ्रॉम डे टू डे ओनली थ्रू फियर ऑफ द वाइजर तो उसके जो फिटर है, है उनसे राजा भी डर रहा था इसलिए वो जो है इस मैटर को डिले कर रहा था पुट ऑफ कर रहा था इग्नोर कर रहा था कि यार इतने बड़े रिलीजियस पर्सन के बेटी के साथ कैसे शादी करेंगे लेकिन उनसे ही जब न्यौता आया है तो राजा खुश हो गया

डील में इस पूरे शादी के बातचीत में वो ये कहता है कि सब लोग जान ले कि आप चाहे ग्रैंड वाइजर हो या नहीं हो है ना ससुर जी अभी राजा थोड़ा सा दिखा रहा है इतनी सी भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपना जितना प्रिविलेज है जितनी मेरी पावर है जितनी मेरी जमीन है उसका आयोटा आयोटा मतलब इतना सा भी पार्ट आपको मिलने नहीं वाला है किसी को कुछ नहीं मिलेगा समझ में आ रहा है ऐसा ही राजा कह रहा है तो उसने एकदम कैसे बता दिया सबको वेरी डैश कैसे बता दिया ही टोल्ड गिव्स गिव्स मतलब he tells everyone. Gives मतलब ही टेल्स यहां पर ना टेल्स की बात कर बता देता है सबको कैसे बता देता है सबको क्लियरली बता देता है साफ साफ सुनो ये अभी शादी की बात जो हो रही है ना इसमें इतना सा भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला साफ साफ क्लियरली बिल्कुल सही जा रहे हैं क्लियरली के जैसे मिलता जुलता वर्ड क्या है डिस्टिंक्टली यस yes. मॉडरेटली मतलब थोड़े से पैमाने में ऑब्सक्योर का मतलब होता है जिसमें अनक्लियरिटी है जो ऑब्सक्योर है अनक्लियर है है ना एम्बिगुएस का मतलब भी होता है अनक्लियर साफ साफ समझ समझ में नहीं आ रहा है पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है मॉडरेटली मतलब हाफ वे मॉडरेट लेवल पे फिजिबल का मतलब होता है जिसको कर सकते हैं डुएबल होता है तो कॉन्टेक्चुअली गलत वर्ड हो जाएगा ये तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत है डिस्टिंक्टली क्लियरली बता दिया आंसर नंबर फाइव यस बिल्कुल सही अभी समझ में आ रहा है हम्म तो राजा के अपने लेवल के ये चल रहे हैं आगे बढ़ते हैं चौथा फिलर बताइए इसमें क्या होगा आंसर <coughs> ऑप्शंस देख लो ऑप्शंस की मदद से एलिमिनेट कर सकते हैं वेन देअर फोर द फेयर हमारी लड़की का नाम अभी कितना डिफिकल्ट नाम है शेहराजेड इंसिस्टेड अपॉन मैरिंग द किंग इंसिस्ट किया वो लड़की ने कि मुझे शादी करनी ही है राजा से एंड डिड एक्चुअली मैरी हिम और उसने शादी कर भी ली राजा से पहले ही ऐसे जो है वो थोड़े से नकरे दिखा रहा है तो फादर जो है उसके वो उसको बोल रहे हैं कि मत शादी करो मत शादी करो उससे है ना लेकिन फादर ने एक बहुत ही अच्छा एडवाइस दिया था कि शादी मत करो क्योंकि राजा का बिहेवियर ठीक ठाक नहीं लग रहा है उसके बावजूद उसने शादी कर ली राजा से तो कैसी एडवाइस है पिताजी की अच्छी एडवाइस है ना राजा के तेवर देखे पहले पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ में। तो ये एक खराब एडवाइस तो नहीं है ने? बिल्कुल नहीं अपॉलिंग का मतलब भी होता है बैड खराब घटिया एट्रोशियस का मतलब भी होता है जिसमें एट्रोसिटी लग सकती है जो खराब होता है तो ये बैड के जैसा ही वर्ड है तो निगेटिव टोन में आ गया So, बस ये पांचवा गलत है तीसरा गलत है और पहला गलत एक साधारण सी एडवाइस दी है या बहुत बढ़िया एडवाइस दी थी फादर ने? एक ऑर्डिनरी एडवाइस है या एक एक्सीलेंट एडवाइस है टोन देखो टोन पिताजी बोल रहे हैं मत करो शादी बेवकूफ है राजा तो एक्चुअली पिताजी की एडवाइस अच्छी थी एक्सीलेंट एडवाइस थी लेकिन बात नहीं सुनी बेटी ने कर ली शादी राजा से यस समझ में आया एक्सीलेंट पे कैसे पहुंचे लॉजिक से हुँ? और पैसेज पढ़ आगे बढ़ते हैं पांचवा फिलर देखते हैं अभी स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं तो फादर की एक्सीलेंट एडवाइस थी उसके बावजूद उसने शादी कर ली व्हेन शी वुड एंड डिड मैरी हिम आई से विल आई नील आई पता नहीं उनका कुछ ये शादी करते समय बोलने की चीजें रहेंगी इट वॉज विथ हर ब्यूटिफुल ब्लैक आईज एज थरली ओपन एज द नेचर ऑफ द केस वुड अलाउ ओके okay? मतलब क्या है कि उसने बोला कि मैं शादी करूंगी तो इससे ही करूंगी बाकी और किसी से नहीं करूंगी लाइ उस टाइप का सेंटेंस है और उसकी आंखें एकदम ऐसे क्लियरली बता रही थी कि शादी से, शादी है उसकी. Okay? आगे देखते हैं इट सीम्स हाउेवर दैट दिस पॉलिटिक डैमसेल डैमसेल का मतलब होता है खूबसूरत लड़की बीन रीडिंग अ वेरी डैश लिटिल प्लॉट इन हर माइंड इसका आंसर जो देगा ना मजा आ जाएगा ट्राई करो मैकियावेली <coughs> <coughs> ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे पॉलिटिकल फिलोसोफर थे निकोलो मैके इटली से और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था लेवियातन करके एक कॉन्सेप्ट जिसमें एक आइडियल राजा एक आइडियल किंग कैसा होना चाहिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए हाफ लायन हाफ मरमेड ऐसा एक ये दिया था उन उन्हों, लोग उन्होंने है ना तो बेसिकली क्या है कि ये जो लड़की है कैसी है पॉलिटिक डैमसेल है पॉलिटिक का मतलब क्या है

बेनल का मतलब होता है ऑर्डिनरी साधारण सा बहुत ही घटिया सा नहीं क्लमजी भी नहीं आएगा क्लमजी मतलब क्या है जैसे कमरा होता है ना सब इधर उधर बिखरा हुआ है क्लमजी रहते हो तुम कितने नेगेटिव वर्ड है नहीं चलेगा इनेप्ट का मतलब क्या होता है नॉट आइडियल नॉट सुटेबल राइट ये भी नहीं चलेगा नेगेटिव वर्ड है इंजीनियस इंजीनियस टेक्निक इंजीनियस प्लॉट अपने दिमाग में चल रहा है इंजीनियस का मतलब क्या है एक स्मार्ट प्लान जनरली किसी को डिसीव करने के लिए जनरली किसी को धोखा देने के लिए जो स्मार्ट प्लान आता है आपके दिमाग में उसको कहते हैं इंजीनियस प्लान है ना आपने फिल्मों में से देखा होगा ऐसे <laughs> ऐसे करते हैं लोग कुछ सोच के दैट इज कॉल्ड इंजीनियस तो राजा इसे शादी करने के पीछे उसका कुछ अलग प्लान चल रहा है दिमाग में देखते हैं क्या करती है आगे जाके आगे बढ़ते हैं अरे स्टोरी इनकम्प्लीट गई। पांच ही फिलर्स थे। ऐसे क्लाइमेक्स पे आके खत्म कर दिया यार स्टोरी को हा? मुझे लगा दस फिलर्स होंगे लेकिन पांच ही फिलर्स थे यार दूसरा क्लोजेस्ट आ गया डिफिकल्ट था बिल्कुल सही आगे की कहानी कब पता पता चलेगी यार इसकी इंटरेस्ट बन गया था नहीं चाहिए आगे बोल रहे अरे आगे क्या करती है वो शादी करने के बाद राजा के साथ क्या कर पता नहीं ना तो चलिए ये वाला देखते हैं एक अलग पैटर्न में है ये पहले हम लोग टाइप देखते हैं पैटर्न जैसे क्या हो रहा है देखिए इन द फॉलोइंग पैसेज सम आउट एंड वर्ड हैज बिन एम्बोल रीड द पैसे में एक वर्ड दिया है, है, है. क्योंकि ऑप्शन अगर आप देखे पहले फिलर में तो देखिये ऑगस्ट ये जो वर्ड है ना इसके लिए पांचवा ऑप्शन आपको नो करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं दिया है इसका मतलब यह है कि ऑगस्ट ये जो वर्ड है ना ये चलेगा अगस्त के जैसे मिलता जुलता वर्ड आपको बताना है ये इजी करके दे दिया है 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 आपको आपको पैराग्राफ भी पढ़ने की जरूरत नहीं अगस्त अगस्त का सिनोनिम बताना है। आप बोलेंगे सर August का सिनोनिम क्या होता है अगस्त तो महीने का नाम है मंथ ऑफ द ईयर होता है लेकिन वो वाला अगस्त कैपिटल ए से स्टार्ट होता है क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है एक अगस्त स्मॉल ए के साथ भी होता है और इसका एक अलग मीनिंग होता है क्या होता है मीनिंग और इसमें क्या लगेगा बताइए आंसर <coughs> सही कहा प्रियांशी पॉजिटिव वर्ड है द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज प्रिपेयर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या फिर एसओपीज़ जिसको हम कहते हैं फॉर द डैश क्रीमेशन ऑफ बॉडीज कैसी क्रीमेशन डिग्निफाइड इज्जत देके बॉडीज जो है डेड बॉडीज जो है उनको डिग्निफाइड तरीके से क्रीमेट किया जाए है ना डेड बॉडीज है तो भी उनको इज्जत से जो है उनके लास्ट राइट्स किए जाए August का मतलब भी होता है डिग्निफाइड ऐसे लोग जो डिग्निफाइड होते हैं इज्जतदार होते हैं, उनको ऑगस्ट कहते हैं, की तरह यूज़ करते हैं. तो आएगा क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन है हमें चाहिए पॉजिटिव वर्ड तो बी आंसर के साथ जाएंगे बिल्कुल सही है ऑगस्ट इज राइट ऐसा ही अकला, अगला अगला क्वेश्चन देखिए it has been said that anyone who places a body in a public place or road will face action since this amounts to disrespect for the deceased deceased मतलब जिनकी मौत हुई है तो जिनकी मौत हुई है उनके लिए दूसरा वर्ड क्या है deceased डिसीज आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन संजय प्रियांशी सिद्धांत रुचि सब लोग करेक्ट है वेल डन। ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसका सिनोनिम बताना है आपको है ना सेम मीनिंग वाला वर्ड डिमाइज so, मतलब जिनकी डेथ हुई है और डिसीज यहां पर जिनकी डेथ हो जाती है ओके वेरी गुड नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन

उनकी डेड बॉडी को जला दिया गया रात में सितंबर 2020 में केस को थोड़ा सा निपटा देने के लिए तो उसके बाद यह जब हुआ उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम हाई कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा फटकारा था डांटा था कि ऐसे ये वापस नहीं होनी चाहिए गलती ठीक है तो इंडिग्नेशन का मतलब होता है काइंड ऑफ स्कोल्डिंग डांट जब पड़ती है ना तो उसको स्कोल्डिंग कहा जाता है तो यहां पर स्कोल्डिंग के लिए कौन सा वर्ड है आउटरेज एक्ड कमेंडेशन एड्यूलेशन या फॉरबेरेंस नाउ एक्र का मतलब होता है प्रेज तारीफ और ये तीसरा वर्ड देखिए ध्यान से कमेंडेशन है इसका मतलब भी होता है तारीफ अगर ये ऐसा वर्ड होता ओ एन एन कंडेमनेशन होता तो इसका मतलब बनता है डांटना देखो कैसे सिमिलर दिखने वाले वर्ड्स हैं सी ओ डबल एम ई एन सी ओ एन डी ई ये प्रेज है ये डांटना है दिखने में सिमिलर वर्ड्स है लेकिन एग्जैक्टली उल्टे एक दूसरे के ये होता तो सही होता लेकिन ये नहीं चलेगा एड्यूलेशन की मतलब एड्यूलेशन का मतलब भी होता है तारीफ प्रेज फॉरबेरेंस ये नया वर्ड लग सकता है किसी को लेकिन आउटरेज स्कोल्ड so, किया है डाटा है मतलब क्या है गुस्सा हो गए थे गुस्सा हो गए थे ना कोर्ट वाले हाई कोर्ट वाले जजेस यस yes, बिल्कुल सही उर्बेरेंस का यहां पर सिनोनिम है पेशेंस दिखाना पेशेंस ओके द एक्ट ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम एनफोर्सिंग समथिंग द एक्ट ऑफ रिफ्रेनिंग फ्रॉम एनफोर्सिंग द लॉ और ऑब्लिगेशन उसको फोरबियरेंस कहते हैं आगे बढ़ते हैं चौथा फिलर

लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ के आप काम करो लोगों की दुख को समझ के आप काम करो है ना सेंसिटाइज करना तो कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये भी बोला है कि आपके जो ऑफिशियल्स हैं, जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड रहेंगे ये काम करने के लिए उनको बोलो कि क्या है थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाओ लोगों की डेथ हुई है लोगों के रिश्तेदारों से ठीक से बात करो ये वो है ना ये कहने के लिए या ये करवाने के लिए कहा गया है तो कोर्ट ने क्या किया है कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये डायरेक्ट किया है डायरेक्शन दे दी है ना डायरेक्शन दे दिया है डायरेक्टेड का मतलब सॉरी एडजोर्ड का मतलब भी होता है डायरेक्ट करना बता देना काइंड ऑफ ऑर्डर देना कि ऐसा करो ये वैसा करो है ना ये होना चाहिए ऐसे तो वो होता है डायरेक्टेड ओबे नहीं कोर्ट कोर्ट ने गवर्नमेंट को ओबे नहीं किया है कोर्ट ने कहा है गवर्नमेंट को ऐसा करने के लिए माइंडेड का मतलब क्या होता है माइंड यू मतलब वार्निंग देना होता है लेकिन यहां पर वार्निंग का सेंस नहीं आ रहा है बताने का सेंस आ रहा है डायरेक्शन देने का सेंस आ रहा है कंप्लाइड का मतलब भी होता है ओबे करना और ऑब्जर्व नहीं आएगा आंसर करेक्ट फाइव इज द राइट आंसर वेरी गुड जिन्होंने फाइव आंसर दिया है वेल डन ओके आगे बढ़ते हैं The draft strictly dash the placing of bodies on the roads and blocking traffic in protest. Forbids का मतलब क्या है बिल्कुल परमिशन नहीं देता यह करने की इजाजत नहीं देता Forbid का मतलब क्या होता है प्रोहिबिट करना इंडियोर तो नहीं आएगा सहना होता है टॉलरेट करना नहीं आएगा Brooks नहीं आएगा, एड्स नहीं आएगा यहां पर करेक्ट आंसर क्या है प्रोहिबिट्स क्योंकि इसका बताना है ना फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज को करने से रोकना फॉरबिड करना प्रोहिबिट करना यस रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग एब्सोल्युटली करेक्ट तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था पांच फिलर्स वाला तो ये दूसरा वाला इजी था दूसरा वाला क्लोज टेस्ट इजी इसलिए था क्योंकि आपको ऑलरेडी ब्लैंक ब्लैंक स्पेस के बगल में सजेशंस दिए थे और उन सजेशंस का ही सिनने में आपको फाइंड आउट करना इजियर वर्जन लगा कि नहीं पहले वाले से पहला तो खतरनाक ही था पहले वाले में कितने सही आए आपके पांच में से पांच में से दो तीन सही किसी के हुए क्या या पांच में से एक भी करेक्ट नहीं हुआ बाकी लोग जो अभी जुड़ रहे हैं आपको मैं बताऊं पहला वाला जो क्लोज टेस्ट किया था इसी सेशन में एक बार देख लो बहुत ही गजब क्लोज टेस्ट थी वो मेंस लेवल का क्वेश्चन था चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखते हैं अब ये पहले पैराग्राफ दिया है इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हैं आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू अ प्रिलिमिनरी रिजल्ट of a study by scientists at exeter university, an area of the brain associated with being in a calm dash state lit up when people were shown pictures of rural settings. but images of urban environments resulted in a significance dash in reaction before a part of the brain involved in processing visual dash swung into action as the viewer tried to work out what they were seeing. Okay. passage the study which used an MRI scanner to monitor brain activity adds to the growing body of evidence, growing number of evidence that natural environments are good for humans, affecting the mental and physical health and even levels of aggression. Dr. Ian Frampton, an Exeter University psychologist, stressed the researchers still had more work to do, but said they may have hit upon something dash. When looking at urban environments the brain is doing a lot of processing because it doesn't know what this environment is he said the brain does not have an immediate natural response to it so it has to get busy part of the brain that deals with visual complexity lights up what is this that i am looking at even if you have lived in a city all your life it seems your brain doesn't quite know what to do with these dash and has to do visual processing he said kafi interesting पैराग्राफ है देखो कि इसमें बात कर रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है शहर में रहने के लिए बने नहीं हैं साइकोलॉजिस्ट ने ऐसे टेस्ट करके ये साबित किया है कि जब किसी ह्यूमन बींग को भले ही वो शहर में बड़ा हुआ हो शहर में जन्म लिया हो और उसको शहर के फोटोज दिखाए तो भी दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि ये क्या है थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन नेचुरल कोई फोटो दिखा दे ग्रीनरी का या किसी नेचुरल सेटिंग का तो ज्यादा रिस्पॉन्सिव है ब्रेन उस सेंस में विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग रूरल इमेजेस प्रोड्यूस अ मच क्वाइटर रिस्पॉन्स इन अ कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन देर इज मच लेस एक्टिविटी मतलब है दिमाग को ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना पड़ रहा है कि नेचुरली आ रही है चीजें दिमाग के लिए ये इट सीम्स टू बी इन अ लिम्बिक सिस्टम अ मच ओल्डर एवोल्यूशनरी पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट वी शेयर विद मंकीज एंड डैश द इफेक्ट डज नॉट अपियर टू बी एस्थेटिक As it was found even when dash urban and very dull pictures of the countryside were used. Professor Michael Depledge of Exeter University, a former Environment Agency chief scientist, said urban dwellers, matlab, urban areas mein wale log, could be dashed in the same way as animals kept in captivity. अगर एनिमल्स को जैसे जेल में बंद करके, में बंद करके करके कैप्टिविटी में रखने पर उनको जैसे महसूस होता है वैसे ही शायद ह्यूमन को को लगता होगा अपने दिमाग को जब वो अर्बन एरियाज शिफ्ट हुए लोग तो डिप्रेशन ज्यादा बढ़ गया है मेंटल इलनेसेज ज्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज से, human का जो ब्रेन है इट इज नॉट ट्रेन टू बी सच एन एनवायरमेंट। ऐसा चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन के ऊपर पहला क्वेश्चन देखिए इसी पैराग्राफ का है फिक्सड मतलब उनको ऐसे बनाया गया है नेचर ने ऐसे बनाया है्यूमन को टू फील एट डैश इन दंट्री साइड गांव के एरिया में रूरल एरिया में जहां पर ज्यादा पोल्यूशन नहीं है ज्यादा गाड़ियां नहीं है ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है ऐसे कंट्री साइड में ह्यूमन बींग्स कैसे महसूस करते हैं दे फील एट एट ईज लिखा है प्रियांशी ने लेकिन एट ईज के जगह एट पीस बोलेंगे यहां पर शांति महसूस होती है ट्रैंक्विलिटी महसूस होती है यस yes, बिल्कुल सही सही जा रहे हैं पीस इज द राइट आंसर बाकी वर्ड देखिए ड्यूप्लिसिटी तो पता है ड्युप्लीकेट करवाना ड्युप्लीकेट होना Ecominum, नया वर्ड है इसका मतलब मतलब एक और बेवकूफ इनोसेंटली फूलिश एंड फीबल मतलब होता है वीक या फिर कमजोर ठीक है सही आंसर है पीस बिल्कुल आगे बढ़ते हैं दूसरा बी फिलर अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट्स एंड एरिया ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विद काम के ही जैसे मिलता वर्ड होगा ना बी वाले फिलर में तो इरिटेटेड मेडिटेटिव प्रोवोक्ट या फ्रॉट काम के जैसा कौन सा वर्ड है मेडिटेटिव जिसमें मेडिटेशन से रिलेटेड वर्ड है ना ये एकदम शांत दिमाग मेडिटेटिव स्टेट में दिमाग रहता है जब दिमाग को रूरल सेटिंग्स वाले पिक्चर दिखाए जाते हैं बिल्कुल सही मेडिटेटिव सही आंसर है वेल डन ऑल ऑफ यू आगे बढ़ते हैं तीसरा फिलर सी फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा आंसर बताइए बट इमेजेस ऑफ अर्बन एनवायरमेंट्स रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट डैश इन रिएक्शन नाउ इसके ऑप्शन ट्रिकी हैं सिग्निफिकेंट लिंगर के साथ जा रही है प्रियांशी सौरभ भी वन के साथ जा रहे हैं बाकी लोग बिल्कुल लिंगर का मतलब होता है डिले लिंगर करते रहना मतलब क्या होता है जैसे अभी मान लीजिए कि आपने परफ्यूम स्प्रे किया से हवे में और उस परफ्यूम का जो फ्रेगरेंस होता है वो स्प्रे करने के बाद भी एक दो मिनट पांच मिनट तक रहता है तो आप बोलते हैं ना कि इस परफ्यूम का फ्रेग्रेंस लिंगर हो रहा है मतलब क्या है डिसपियर होने के पहले थोड़ी देर एग्जिस्ट करता है चलते रहता है तो उसका काम जो है या गायब होने का जो प्रोसेस है वो डिले हो रहा है इसलिए लिंगर तो क्या हो रहा है देखिए रूरल सेटिंग वाले फोटोज देखने पर दिमाग एकदम ऐसे शांत मेडिटेटिव स्टेट में दिख रहा है लेकिन अर्बन एनवायरमेंट की इमेजेस रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट लिंगर इन रिएक्शन दिमाग की रिएक्शन जो है वो लिंगर्ड है मतलब डिलेड रिएक्शन एज इन दिमाग को टाइम लग रहा है प्रोसेस करने के लिए कि ये क्या देख रहे हैं भले ही वो रिएक्शन टाइम जो है वो कुछ सेकंड्स का रहेगा माइक्रो सेकेंड्स का रहेगा लेकिन वो डिले दिख रहा है जर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना स्टार्ट होना हैम्पर का मतलब होता है किसी चीज को रोकना ओके okay, लेकिन हैम्पर जो है ये यहां पर वर्ब की तरह ज्यादा काम करता है आप बोलेंगे सर है क्यों नहीं आएगा सिग्निफिकेंट हैम्पर तो सिग्निफिकेंट या एडजेक्टिव लगने के बाद अगर आपको फिल इन द ब्लैंक लिखना है तो नाउन नाउन के फॉर्म में आना चाहिए Yes no. इसलिए लिंगर ये नाउन भी हो सकता है हुडविंग का मतलब होता है डिसीव या फिर ट्रिक बेवकूफ बनाना किसी को वर्ब होता है और हर्टल का मतलब होता है टू मूव विद ग्रेट स्पीड पर तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं तो लिंगर इज द बेस्ट ऑप्शन डिलेड रिस्पॉन्स आ जाता है दिमाग से ओके नेक्स्ट डी फिलर So, before a part of the brain involving processing visual dash swung into action. Swing into action ये एक idiom होता है जिसका मतलब होता है to come into action या फिर काम करना शुरू करना to start working for what you have been uh, you know designed. तो एक तो reaction time लग रहा है significant linger है reaction में और ब्रेन का वो हिस्सा जो इन्वॉल्व होता है किस चीज को प्रोसेस करने में विजुअल कॉम्प्लेक्सिटीज को प्रोसेस करने में कॉम्प्लेक्सिटी है ना देखियो इमेजिन आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है बिल्डिंग्स हैं स्ट्रीट्स हैं है स्ट्रीट लाइट्स हैं है ना फिर गाड़ियां दिख रही हैं लोग क्राउड्स दिखाई दिखाई दे रहे हैं लोकल ट्रेन की इमेजेस दिख रहे हैं भर भर के लोग जा रहे हैं तो ये सब विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी है विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी को प्रोसेस करना है ना कि ये इमेज एक्जैक्टली exactly क्या है So, यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी इज द राइट आंसर और विजुअल मतलब क्या है आंखों से दिखने वाला विजुअल को प्रोसेस करने वाला जो दिमाग का पार्ट है वो शुरू होने के पहले थोड़ा सा डिले हो जाता है 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 ये हम लोगों का कहना यहां यहां पर पर ठीक सो करेक्ट आंसर आएगा कॉम्प्लेक्सिटी क्लैरिटी नहीं विजुअल क्लैरिटी का मतलब जो चीजें ऑलरेडी क्लियर है तो क्यों प्रोसेस करेगा ब्रेन प्रोसेस करने की जरूरत पड़ रही है मतलब चीजें कॉम्प्लिकेटेड है कॉम्प्लेक्स है इसलिए विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी ओके नेक्स्ट ये वाला इजी है ये जो प्रोफेसर है ई एन फ्रैंपटन उन्होंने कहा कि द रिसर्चर्स स्टिल हैड मोर वर्क टू डू और भी बहुत ज्यादा काम करना है बट सेडे मेंट अपॉन समथिंग डैश लेकिन ये फाइंडिंग्स में कुछ बहुत बढ़िया चीज खो, खोज के निकली है या खोज की है लोगों ने इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है मामूली सा छोटा सा जिसका कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है ट्रिवियल भी वही होता है मामूली माइनर मतलब छोटा सा मामूली इनकॉन्सिक्वेंशियल मतलब भी होता है इनसिग्निफिकेंट या फिर ट्रिवियल है. एक दूसरे के सिनोनिम्स है मोमेंटस मोमेंटस मीन समथिंग ह्यूज बहुत ही है ये बड़ी हमें हा, हाथ लगी है तो यहाँ पर answer number two जो है वो मेजर okay? होता तो चल जाता माइनर के जगह मेजर वुड मोमेंटस इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट वी हैव नेक्स्ट पिलर नहीं नहीं जल्दबाजी में आंसर मत करो मैंने आपको क्या बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स के ना आगे पीछे वाले वर्ड्स देखो आपकी मदद करते हैं यहां पर ये दीज वाला जो वर्ड है वो आपकी हेल्प करेगा दीज ये जो एडजेक्टिव है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसे हम कहते हैं ये क्या नेचर डिनोट करता है प्लूरल नेचर डिनोट करता है ना दीज दीज के साथ लगने वाला नाउन जो होगा यहां पर यह कैसा होगा प्लूरल नाउन होगा हिस्टेरिया सिंगुलर है आइडियोलॉजी सिंगुलर है डीट्स एस लगा के इकलौता नाउन है जो प्लुरल फॉर्म में दिख रहा है अभी इसकी मीनिंग्स भी नहीं पता है तो भी आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपने बस ये वर्ड देख लिया तो आपको पता चल गया कि इसके बाद नाउन जो होगा वो प्लूरल होना चाहिए और ऑप्शन में प्लुरल नाउन सिर्फ एक ही दिख रहा है जिसके एंड में एस लगा हुआ है तो हम आंसर नंबर डी मार्क करेंगे या फिर फोर मार्क करेंगे डीट्स का मतलब होता है डिटेल्स बारीकियां हिस्टेरिया hmm? क्या होता है हिस्टेरिया इज टाइप ऑफ इमोशन जिसमें अपने एक सिचुएशन जिसमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो ये गुस्सा वाला हो हिस्टेरिया हो सकता है खुशी वाली हिस्टेरिया हो सकती है एक्साइटमेंट वाली हिस्टेरिया हो सकती है हिस्टेरिया का प्लूरल बनता नहीं है क्योंकि वो एक इमोशन होती है एब्स्ट्रैक्ट है। नाउन है ना रौनक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लुरल नहीं बनता सो so, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आता है ओके okay. आइडियोलॉजी का आइडियोलॉजीज बन सकता है अलग अलग टाइप की आइडियोलॉजीज ओके ह्यू क्या होता है ह्यू का एक दो एक दो मीनिंग्स होते हैं तो होता है कलर या फिर एक पर्टिकुलर शेड ऑफ एनी कलर ओके ब्लू ह्यू पिंक ह्यू रेड ह्यू शेड ऑफ डिफरेंट कलर्स और दूसरा मीनिंग होता है अ टाइप ऑफ बिलीफ और ओपिनियन उसको भी ह्यू कहते हैं और हेजीमनी क्या होता है इज बेसिकली कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी ओवर अदर्स एक पर्टिकुलर ग्रुप या क्लास ऑफ सोसाइटी का कंट्रोल होता है दूसरों को के ऊपर और ये इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है है ना उसको हेजेमनी कहा जाता है कि वो क्लास जो डिसाइड करेगा वही सही माना जाता है वो क्लास जो आ, सही मानेगा वही सब लोगों को सही मानना पड़ता है ये बाय नेचर होता है उसको हेजेमनी कहते हैं ओके तो हेजेमनी ये कॉन्सेप्ट आपको किसने दी थी एक अगेन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे इटली के ही <coughs> अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूं उनका कार्ल मार्क्स के के जैसे ही वो एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे याद आएगा तो बताता हूँ मैं आपको ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जी जी सेंटेंस बताइए रूरल इमेजेस प्रोड्यूस्ड अ मच क्वाइटर रिस्पॉन्स इन कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन बाकी सब सही है देखे मंकीज uh, एंड क्या मंकीज के जैसे मिलता जुलता वर्ड क्या है यहां पर मंकीज एंड प्राइमेट्स बिल्कुल करेक्ट मंकीज और प्राइमेट्स एप्स प्राइमेट्स मंकीज सही है ना बंदर हैरिडन का मतलब होता है अस्ट्रिक्ट बॉसी और बिलिजरेंट ओल्ड वूमन ऐसी औरत जो बूढ़ी है लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट है डांटती है बॉसी है मतलब बॉस की तरह बिहेव करती है और बिलिजरेंट है मतलब थोड़ी सी एरोगेंट है ऐसे टाइप की बूढ़ी औरतों को हैरिडन कहते हैं होल्स्टर का मतलब होता है एक लेदर केस फॉर अ गन दैट इज फिक्स्ड टू अ बेल्ट बेल्ट के अंदर ऐसा होता ना, है ना जहां पर गन रखते हैं वो होता है होलस्टर और फ्रेस्को एक पेंटिंग होती है वॉल पर या सीलिंग पर जनरली होती है उसको फ्रेस्को कहते हैं ओके डिवोटी तो आपको पता है हुँ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला इन द ब्लैंक देखते हैं एच एंटोनियो ग्रामस्की इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंटोनियो एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमनी। ऐसा एक बहुत बढ़िया टाइटल है उनका बहुत बढ़िया काम है उनका चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां देखिए द इफेक्ट डज नॉट अपियर टू बी एस्थेटिक एज इट वॉज फाउंड वेन इवन इवन वेन इवन वेन डैश अर्बन एंड वेरी डल पिक्चर्स ऑफ कंट्री साइड देखिए ये नॉर्मली रिजल्ट ऐसे देखने को मिला उनको कि अर्बन सेटिंग के पिक्चर्स देखने के लिए रिएक्शन टाइम ज्यादा लगा ब्रेन को और रूरल सेटिंग्स में ब्रेन एकदम मेडिटेटिव और पीसफुल स्टेट में था तो उन्होंने क्या किया उन्होंने पिक्चर्स को उल्टा कर दिया कंट्री साइड के रूरल एरियाज के पिक्चर्स उन्होंने कैसे लगा दिए वेरी डल बहुत ही डल या बोरिंग से लगने वाले गाँव के फोटोज दिखा दिए कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड सही है और अर्बन सेटिंग्स के शहरों के इमेजेस जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग दिखाई दिए

महीन नहीं है जो फाइन नहीं है दरदरासा है नॉट फाइन हॉरिबल का मीनिंग तो पता है आपको इन एलिगेंट मतलब जो एलिगेंट नहीं है दिखने में घटिया है इनफीरियर तो कॉमन वर्ड्स anyway, है बाकी के सारे यस एलियोरिंग इज द राइट आंसर वेल डन ऑल ऑफ यू बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं आई आई फिलर में क्या होगा <coughs> प्रोफेसर माइकल डेप्लीज ऑफ एक्सेटर यूनिवर्सिटी कहते हैं कि अर्बन ड्वेलर्स अर्बन ड्वेलर्स मतलब शहर में रहने वाले लोग कुड बी डैश इन द सेम वे एज एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी कैप्टिविटी मतलब केज में पिंजरों में बंद करके रखे हुए एनिमल्स क्या होते हैं सफर करते हैं ना तो पिंजरों में बंद करके रखे हुए एनिमल्स जैसे सफर कर रहे हैं वैसे ही सफर कर रहे होंगे शहर में रहने वाले लोग है ना दे बी सफरिंग आएगा जिंदगी जीने में सफरिंग हो रही है उनको माइंड को उनके ब्रेन को प्लीजिंग पॉजिटिव वर्ड है थ्रिलिंग पॉजिटिव वर्ड है सेटिस्फाइंग पॉजिटिव वर्ड है ग्रेटिफाइंग पॉजिटिव वर्ड है एगोनाइजिंग नेगेटिव वर्ड दुख में होना दर्द में होना पेन में होना सफरिंग में होना एगोनाइजिंग होना ऑप्शन नंबर फाइव इज द राइट आंसर ओके यस बिल्कुल सही आगे बढ़ते हैं जे फिलर देखते हैं सेट द मूव टू द सिटीज हैड बीन अकंपनीड बाय एन इनक्रेडिबल राइज इन डिप्रेशन एंड बिहेवियरल डैश रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जब मूव होते हैं या हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स एंड सेंचुरीज तो उसमें माइंड का जो डिप्रेशन लेवल है अलग अलग टाइप का वो बढ़ गया है और बिहेवियरल क्या बड़ा है नेगेटिव कोई होगा ना डिप्रेशन जैसे नेगेटिव वर्ड है वैसे बिहेवियरल के बाद भी कोई नेगेटिव टोन वाला ही हमें नाउन चाहिए नॉर्मल सी तो नॉर्मल होता है पॉजिटिव होना सैनिटी मतलब सेन होना पॉजिटिव वर्ड है नॉर्मैलिटी भी पॉजिटिव है रेगुलरिटी भी पॉजिटिव है. है, है तो हम कहा जाएंगे आज का yes. so, एक, uh, अच्छा. एक और क्लोज टेस्ट है लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आप उसको बाद में सोल्व कर लेना एज होमवर्क कैसा लगा आज का सेशन आई होप यू गाइज एंजॉयड द क्लास बहुत ही बढ़िया क्लोज टेस्ट हमने किए पहला वाला तो बहुत ही मजेदार था मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत ही चैलेंजिंग था ट्रिकी था मेंस लेवल का टेस्ट था एस बी में मेंस में आ सकता है ऐसा और बाकी के दो मॉडरेट लेवल के थे जो आपके प्रिलिम्स में या फिर मेंस में भी आ सकते हैं ठीक है so, सो ऐसे प्रकार से आपको सॉल्व करना है बहुत बार आपको फिल इन द ब्लैंक के आगे पीछे वाले वर्ड से मदद मिलती है समटाइम्स यू गेट हेल्प फ्रॉम द में चार पांच में से चार वर्ड्स एक टोन के होते हैं और दूसरा वर्ड जो बचा हुआ वर्ड है वो एक दूसरे टोन का होता है तो उसके हिसाब से भी आप आंसर दे सकते हैं या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है ना फिलर से ना बाकी के सेंटेंस से या फिर ना ही ऑप्शन से तो आप स्किप भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ओके चलिए सो so, आज के लिए इतना ही दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे अभी साढ़े तीन बजे हम लोग मिलेंगे एस बी आई क्लर्क वाले सेशन में जिसमें मॉक टेस्ट होगी मॉक टेस्ट नंबर फाइव उसमें भी बहुत मजेदार क्वेश्चन uh, में लेके आऊंगा आपके लिए तो सब लोग जुड़िएगा इसी चैनल पर साढ़े तीन बजे एस बी आई क्लर्क की मॉक टेस्ट नंबर फोर ओके चलिए सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग द सेशन एंड करने से पहले फिर से मैं आप सबको एक बार रिमाइंड कर दूं कि जो लोग पहली बार इस सेशन में आए हैं और पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं ये कि आपको सुपर कोचिंग में अगर एनरोल करना है तो ये कूपन कोड अप्लाई करें के ए यू एस टी यू बी एच एम कौस्तुभ एम ये मेरा कोड है इसे अप्लाई करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट सुपर कोचिंग की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी एंड ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम एज वेल दिस इज माई टेलीग्राम आई डी एट द रेट कौस्तुभ सर अंडर स्कोर टेक्स्ट बुक सेशन को लाइक एंड शेयर करें सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मिलते हैं हम लोग साढ़े तीन बजे वाली क्लास में टिल देन टेक केयर बाय बाय हैव अ गुड डे